नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। लौरिया में हुई भीषण चोरी की घटना, पुलिस गश्ती पर लगा सवालिया निशान। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई चोरी की घटना। मामला लौरिया थाना क्षेत्र की है, जहां कपड़ा व्यवसायी सुनील कुमार के घर ताला तोड़कर लाखों की चोरी हुई है। घटना शनिवार की देर रात की बताई जा रही है। वही सुनील कुमार कपड़े व्यवसायी के घर लौरिया थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे लोगों ने पुलिस गश्ती पर सवालिया निशान लगाया है। कपड़ा व्यवसायी सुनील कुमार ने बताया कि मेरे पैतृक घर पे शादी समारोह था, उसी शादी समारोह में शामिल होने चले गए थे। इसी दौरान रात्रि करीब 8 बजे के आसपास अज्ञात चोरों द्वारा भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सुनील कुमार ने बताया कि घर में चोरी की घटना की सूचना घर में रहने वाले किराएदार के द्वारा प्राप्त हुई है, जो लौरिया चीनी मिल में काम करते हैं। किराएदार की माने तो जब वे लोग चीनी मिल से ड्यूटी कर वापस आए तो देखा कि घर के मेन गेट का दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। पीड़ित ने बताया कि घर में रखे अलमारी का लॉकर तोड़ करीब 8 लाख की कीमत का सोना व चांदी की जेवर चोरी हुई है, जबकि नकदी 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। इस मामले में लौरिया के प्रभारी थाना अध्यक्ष सियाराम सिंह ने बताया कि आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। FIR दर्ज कर जल्द ही लूटकांड के अभियुक्तों को चिन्हित कर छापेमारी की जाएगी। कल हमारे घर हमारे भतीजा का शादी था, तो हम लोग 7:30 बजे यहाँ से तैयार होकर के गए उस शादी में। और उधर से जब हमको 9:30 में वहाँ हमको फोन करके यहाँ से रेंटर द्वारा जवाब मिला कि आपका ताला टूटा हुआ है सर, तो हम कहे ठीक है हम आ रहे हैं। आए यहाँ तो हम पहुँचे तो प्रशासन अभी आ रही थी, हमारे आगे आगे हम उसके पीछे पीछे गाड़ी से अपना आ रहे थे। उसके बाद अंदर घुसे तो देखे कि हमारे घर का ताला टूटा हुआ है और ताला तोड़ करके सिर्फ अलमारी को जो है सो गहना और कपड़ा वपड़ा नहीं, कपड़ा सब बिक दिया गया और जो रुपया था 1.5 से 2 लाख रुपया था। कितने का ज्वेलरी का होगा? 8 लाख के करीब होगा, चांदी या सोना मिला करके। ये मतलब ये घटना मतलब आपका घर थाने से कितना दूर है? 100 मीटर के अंदर है, 100 मीटर के अंदर है सर। क्या लगता है इलाके में पुलिस की गश्त नहीं लगती? कहाँ गश्त, कभी नहीं लगती पुलिस की गश्त, नहीं लगती। अपने थाने में FIR कंप्लेन किया है? ना अभी नहीं किया, अब जा रहे हैं कंप्लेन करने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनील कुमार जायसवाल हुआ। आग घटा है तो हम लोग की सूचना मिली 9 बजे, तत्काल हम लोग माने तुरंत माने की देर माने वहाँ घटनास्थल पर गए। उसके बाद में घर वाले भी लोग माने हमारे पहुँचते ही उसी समय वो लोग भी यहाँ पहुँच गए। हम लोग गए ऊपर जा करके देखे, ताला माने दरवाजा खुला हुआ था, ऊपर में गए गोदरेज का टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था। कितने का लूट का जेवर वेवर माने जितना जेवर का डब्बा था ना खाली था, और क्या क्या चीज उसमें रखे थे अब तो माने कि घर वाले ही बताएंगे जी। सर तो प्रोसेसिंग के लिए अभी कुत्ता उत्ता का आया? ना अभी तो नहीं आया है। उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस कर रहे हैं? हाँ हाँ उसके लिए भी मैंने किया जा रहा है। फिंगरप्रिंट और लुक लग जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। देखिए जिस समय हम लोग वहाँ पर गए ना घटनास्थल पर, उस समय अगल बगल के बहुत से आदमी माने कि अंदर में गए हैं, समझे ना। ये नहीं कि सभी आदमी इधर से उधर है ना, घर वाले से पूछ सकते हैं। बहुत से आदमी माने एकदम भीड़ लगी, कैश भी गया, 25-30 आदमी के कैश भी गया, कैश भी माने कि लोग बोल रहे हैं कि कैश भी गया है, अलमीरा में था कैश। आगे की सर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आगे कार्रवाई माने कि जैसे ही घर वाले लोग माने कहेंगे उस तरह की कार्रवाई होगी, FIR होगा, FIR लिख करके दे रहे हैं, FIR करने के लिए हम सक्षम हैं।